हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ड्यूरिंग एलएलबी या फिर अगर आप एडवोकेट हैं और अगर आपकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ नहीं है तो ये कितने मायने रखता है, कितना ज़रूरी है और क्या इंग्लिश आपको फ्लुएंसी के साथ आनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनमें जो है हिंदी चल जाती है। सारे जितने भी एडवोकेट्स होते हैं 80% एडवोकेट्स जो हैं वो हिंदी में वार्तालाप करते हैं ऑनरेबल जजेस के सामने, लेकिन उनमें से भी 20% एडवोकेट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। जितने भी डिबेट होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं क्योंकि उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, तो वो अपनी कमांड बना रहे होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है और कहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप डरिए मत, आपको मैं आगे इसका सॉल्यूशन बताऊँगी इसी वीडियो के अंदर। अगर आप सपोज़ अगर आप भी आपकी भी इच्छा होगी कि भाई हाई कोर्ट में भी आप जो है कभी ना कभी तो केस लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक कब तक सीमित रहेंगे, तो मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदी चल जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट में जितने भी जजेस होते हैं और जितने भी एडवोकेट्स होते हैं ऑलमोस्ट वो इंग्लिश में ही टॉक करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने फैक्ट्स रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपके इंग्लिश इतनी हाई फाई नहीं है, इफ़िशेंसी नहीं है, तो आप घबराइए मत। आपको क्या करना है, आपके जो तथ्य हैं, आपकी जो ड्राफ्टिंग है, आपकी जो इंग्लिश में आपने ड्राफ्टिंग कर रखी है, ऑब्वियसली हिंदी में तो चली ही नहीं, आपने जो राइट कर रखा है इंग्लिश में आपको टाइप करना आना चाहिए, या फिर आप किसी टाइप राइटर से आप टाइप करवा रहे हैं तो आपको इतना तो सेंस होना चाहिए, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप जो तथ्य लिखवा रहे हैं उसमें फैक्ट्स लिखवा रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट इंग्लिश में हो। तो जब आप हाई कोर्ट में उनको रखेंगे तो वो इंग्लिश में होने चाहिए और आपको इतनी तो इंग्लिश आनी ही चाहिए कि आप जज के सामने, ऑनरेबल जजेस के सामने अपनी बात को इंग्लिश में रख सकें और उनको समझ में आ जाए। मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि उनको समझ में आ जाए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। चलिए, और आपने जो ड्राफ्टिंग बना रखी है उसमें जितना भी आपने लिखे हुए हैं फैक्ट्स वो जो है इतने सॉलिड हों कि जो हमारे जजेस हैं उनकी समझ में आ जाए और उनको लगे कि इसमें जो क्लू है, इसमें जो तथ्य लिखे गए हैं ये बहुत ही बढ़िया है और इनका कुछ ना कुछ मतलब इसमें जो है केस को ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। अगर आपके तथ्य, आपके फैक्ट्स जो है केस को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और बढ़िया बना रहे हैं और सही दिशा में पहुंचा रहे हैं जहां आप जाना चाहते हो, तो आप ये मत सोचिए कि वर्बली आप किस तरीके से टॉक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कानून में, इंडियन कानून में जो लिखित में है वो ज़्यादा मायने रखता है। जो आपने फाइल प्रिपेयर कर रखी है क्लाइंट की, किसी की भी, तो वो उसमें कैसे फैक्ट दे रखे हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ऑब्वियसली वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में नहीं होंगे, वो इंग्लिश में ही होंगे, तो उनको जो है आपको इंग्लिश में भी वर्बल टॉक करना आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप कहेंगे हमें तो आती ही नहीं है, हमारी तो इंग्लिश बहुत ही ख़राब है, क्या करेंगे आप इसके लिए? इसके लिए सॉल्यूशन है, सबसे पहले आपने इसको छोटा मत समझिए, बहुत ही बड़ी चीज़ है, छोटा मत समझिए। जितने भी अल्फ़ाबेट है, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट है A to Z, इसमें क्या करना है, ABCD तो सबको आती है बट उनके फोनिक, ए बोलोगे या अ बोलोगे, द बोलोगे तो दी कहाँ लगेगा, ठीक है, आ कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, ये सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं बहुत ज़्यादा, और वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत मिस्टेक करते हैं लोग, फोनिक उनका क्लियर नहीं होता, जो कि हम नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले आप अपना फोनिक क्लियर कीजिए, और मैं ये नहीं कहूँगी कि जो लीगल इंग्लिश है वो इंग्लिश से बिल्कुल अलग है, नहीं, वो अलग नहीं है, उसके वर्ड्स अलग हैं, शब्द अलग हैं, लेकिन जो इंग्लिश के बोलने के तौर तरीके हैं वो तो सेम रहेंगे, ग्रामर वगैरह, फ्रेजेस वगैरह यूज़ हो जाते हैं, लेकिन आपको ग्रामर का तो नॉलेज होना चाहिए,
कहाँ पे आर्टिकल यूज हो रहा है, कहाँ पे एडजेक्टिव, कहाँ पे एडवर्ब, ये सब आपको आना ही चाहिए। तो इसके लिए आप शुरू से काम कीजिए अपने ग्रामर में, आपको पकड़ बनानी है, क्योंकि विदाउट ग्रामर यू कैन नॉट टॉक इंग्लिश। ठीक है, आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जीरो से आगे तक पहुंचना है। तो आपको इसके अलावा लीगल के लिए क्या करेंगे, आपके पास जिससे आपने पढ़ा है, जिस बुक से आपने पढ़ा है, उस बुक में लीगल वर्ड्स हैं, आपके पास बेयर एक्ट है, उसमें सारे लीगल वर्ड्स ही हैं धाराओं के अलावा, अगर आप फैमिली लॉ के उठाएंगे या फिर आर्बिट्रेशन की उठाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट की उठाएंगे, तो आपको वहाँ पे सारे लीगल में ही मिलेंगे सारी चीज़ें। और इसके अलावा आपको जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं, वोकैबुलरी है, लीगल डिक्शनरी उठाइए, उसमें से लीगल वर्ड्स आपको माइंड में रखने हैं, क्योंकि वो ही यूज होते हैं कोर्ट में। क्योंकि अगर आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होंगे, मान्य आई मीन समझ में आ जाएंगे सबके, लेकिन आपको, आप एज एन एडवोकेट, आपको लीगल वर्ड्स में ही आपको अपनी ड्राफ्टिंग तैयार करनी है, आपको वर्बल कम्युनिकेशन करना है, आपको बात करनी है, बिकॉज ऑफ यू आर एज एन एडवोकेट। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको लीगल डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए, आपके लीगल वर्ड्स पे पकड़ बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और आपको ड्राफ्टिंग में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब ड्राफ्टिंग आपको आती ही नहीं है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनके फॉर्मेट्स देखिए, कैसे आप ड्राफ्टिंग को पढ़िए। आप कैसे करेंगे इसके लिए, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री सर्विस देती हैं। आपको क्या करना है, आपको जजमेंट्स निकालनी है। नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर होगा मेरा, कि आप फ्री जजमेंट्स कहाँ से ले सकते हैं, अपने फ़ोन में पढ़िए, या फिर आपके पास प्रिंटर की सुविधा है तो प्रिंट आउट लीजिए उनका, पाँच छः पेज का छोटी छोटी जजमेंट्स निकाल लीजिए। जब आप माहिर हो जाए पढ़ने में तो आप बड़ी बड़ी पढ़िए, क्योंकि वो जजेस के द्वारा तैयार की जाती है, और उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया फैक्ट लिखे रहते हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड्स यूज होते हैं। अगर उन वर्ड्स पे भी आपकी बढ़िया पकड़ हो जाएगी तो आप लीगल इंग्लिश में परफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं इंग्लिश सीखने के। सबसे पहले आपको अपना फोनिक ठीक करना है, ए को कैसे प्रोनंशिएट करते हैं, बी को कैसे करते हैं, सी को कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको लीगल डिक्शनरी लेनी है, लीगल वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। तीसरी चीज़, आपको जो है जजमेंट्स पढ़नी है, उसमें से जो हार्ड वर्ड है उनके आंसर देखने हैं, उनका अर्थ देखना है, और आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी है, और आपको ग्रामर पे अच्छी पकड़ बनानी है। तो ये तरीके होते हैं आपको इंग्लिश में आपको सुधार करने के, आपको इंग्लिश आ जाएगी। लीगल इंग्लिश आपको अगर थोड़ी बहुत अभी कमी है तो वो धीरे धीरे वक्त के साथ सुधार हो जाएगा। आप देखिए कि कोर्ट रूम में जाके कि जजेस किस तरीके से अपने डिसीजन सुना रहे हैं, किस तरीके से आगे के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं डेट्स को, किस तरीके से वो वार्तालाप कर रहे हैं। तो यही कुछ तरीके होते हैं जिससे आप अपना इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल पर नया विजिट किया है तो लीगल हेल्प के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। थैंक यू सो मच।